वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो मतलब वीडियो नंबर 101 में हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। बेटा, हमने लास्ट टू वीडियोस में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों से बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो और उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो को कंप्लीटली स्टडी करेंगे और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो शोज द पोजीशन ऑफ द कंपनी या बिजनेस या फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मतलब कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बियर करने की करने के लिए वो रेशियो कहलाता है सॉल्वेंसी रेशियो, राइट? इट इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। नंबर वन, डेट टू इक्विटी रेशियो, द नेक्स्ट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी रेशियो, एंड द फोर्थ वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो नाम में ही इसका फॉर्मूला है, मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, देखिए डेट, डेट की बजाय कई फॉर्मूले हैं जिससे हम डेट निकालेंगे। मैं उन सभी को लिखूंगी ताकि आप उसे लर्न कर लें और जो भी क्वेश्चंस हम करें वो अच्छे से आपको कंप्लीट कर पाए। तो पहला फॉर्मूला जो हमें याद करना है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड कर दूं तो डेट निकलता है, और अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तब भी बेटा हमारा डेट निकलता है, क्योंकि डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट, एंड ओनली डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, राइट? तो टोटल डेट में से अगर मैं करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो डेट निकल जाता है। और जो तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को माइनस कर दूं तो जो हमारा आंसर आता है बेटा वो भी डेब्ट होता है, क्लियर? इसी तरीके से दूसरा वर्ड आया है हमारा इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम होता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और इसको निकालते कैसे हैं? अगर मैं शेयर कैपिटल में रिजर्व और सरप्लस को ऐड कर दूं तो आंसर आ जाता है इक्विटी। एक और बस फॉर्मूला और है इसका, अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तब भी हमारा आंसर इक्विटी ही होगा। कैसे? देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम तीन चीजें ऐड करते हैं लायबिलिटीज में। पहला इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, और एसेट्स में हम केवल दो चीजें ऐड करते हैं। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो जो बेटा आंसर आएगा वो इक्विटी होगा। इन फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ इरेज कर दिया है, उसको भी मैं लिख देती हूँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम इन फॉर्मूले को ध्यान से देख ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा, टीएस ग्रेवाल 2020 पेज नंबर 4.102। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो मैंने क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो का जो हमारा प्योर रेशियो होता है, अगर एक नंबर में कोई आपसे पूछे तो वो 2:1 होता है। सेकंड थिंग, जो हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था उसका जो पहला रेशियो था करंट रेशियो, उसका भी हमारा प्योर रेशियो 2:1 होता है। इनको हम आइडियल रेशियो भी
डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो दोनों का 2:1 आइडल होता है और क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1 होता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, 10% डिबेंचर है 1,30,000, जनरल रिजर्व 90,000, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, कैलकुलेट कर रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। एक एक करके दोनों को ढूंढेंगे। तो डेट के लिए बेटा चेक करेंगे कि जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें से हमें कुछ दिख रहा है। तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रही है, वो है हमारी डिवेंचर। तो मेरे पास डेट दे रखा है 1,30,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ढूंढेंगे इक्विटी। तो इक्विटी माने होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल गिवन है, हमने लिख लिया 5 लाख। रिजर्व है सरप्लस में, हमें जनरल रिजर्व गिवन है 90,000। और याद रखेंगे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट है तो उसे ऐड करेंगे और लॉस है तो माइनस। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 50,000, तो ऐड करेंगे 550 और 1 लाख, 650 और 650 में और 10 गए तो ये आ गए 640, तो ऐड करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, ये आ गया हमारा 640। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, 3 से 3 गया ये 0 और 13 को 64 से जब सिंपलीफाई करेंगे तो 0.203:1 आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 64 द आंसर विल बी 0.203:1। उसको कंप्लीटली डिनोमिनेटर तक 1 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करेंगे, दैट व्हाई इट्स यूनिट इज प्योर रेशियो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 सेम पेज, कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल एसेट्स है बेटा 12,50,000, टोटल डेट है 10 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट को ढूंढते हैं बेटा पहले, तो डेट मुझे ढूंढना पड़ रहा है। तो मुझे याद आया कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेट निकल आएगा, राइट। टोटल डेट है हमारा 10 लाख और करंट लायबिलिटी है हमारी 5 लाख, तो हमारी डेट आ गई 5 लाख। पॉइंट 1 लगा के छोड़ दें, आप इक्विटी ढूंढेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर वीडियो बैक करके देखिए, इक्विटी का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज या फिर टोटल डेट। तो टोटल एसेट्स है हमारे 12,50,000, टोटल डेट है हमारे पास 10 लाख, द आंसर विल बी 2,50,000। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। टोटल डेट, डेट की जगह पर हम 5 लाख लिख देंगे बेटा और इक्विटी की जगह पर 2,50,000 लिखेंगे जो हमने निकाला था, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 डेट अपॉन इक्वल्स टू अपॉन 5 लाख अपॉन 2,50,000 इक्वल्स टू 2:1, आंसर विल बी 2:1। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 अगेन कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो। बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 8,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है 40,000, नॉन करंट एसेट में से हमारे पास 1,40,000 का डेप्रिसिएशन है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगेन नॉन करंट एसेट्स है हमारे 56,000, करंट एसेट्स है 3,50,000, करंट लायबिलिटीज 280, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 420 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 140। तो इससे मैं डेप्ट निकाल लूंगी, डेप्ट इक्वल्स टू 4,20,000
140,000, तो डेप्थ आ जाएगी बेटा हमारी 560,000, ये आ गई हमारी डेप्थ। अब मुझे इक्विटी चाहिए। अगर इक्विटी के लिए मेरे पास टोटल एसेट्स है और टोटल लायबिलिटी भी आ जाए तो मैं इक्विटी निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। तो ढूंढते हैं, सबसे पहले टोटल एसेट्स को ढूंढते हैं बेटा। हमारे पास 840 के एसेट्स से डेप्रिसिएशन हुआ 140, तो आंसर आया हमारा 7 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 14,000, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 56,000 और करंट एसेट्स है 3,50,000। सबको ऐड करेंगे बेटा, 56 और 40 जीरो के 6 और ये आया 7,70,000। और 7,70,000 में 3,50,000 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारी एसेट्स हो जाएगी 1,11,20,000। एक बार और देख लेते हैं, 770 और 350 तो जीरो, इधर जो ये आ गया हमारा 2 के लिए आया 1,11, तो वैल्यू हो गई 11,20,000। राइट, अब टोटल एसेट्स निकाल लिए, टोटल डेब्ट ढूंढ लेते हैं बेटा। टोटल डेब्ट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में मेरा मेरे पास करंट लायबिलिटीज तो दे रखी है क्वेश्चन में 280 और बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब डेब्ट मैंने निकाल ली थी 560 और 560 को ऐड करेंगे और ये आ गया टोटल डेब्ट। इक्विटी निकालने के लिए, इक्विटी निकालने के लिए अगर मैं इस टोटल एसेट्स में से मतलब 11,20,000 में से 1,40,000 को माइनस कर दूं तो मेरे पास इक्विटी आ जाएगा। निकाल लेते हैं, 11,20,000 में से 8,40,000 को हम माइनस करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2,80,000। 2,80,000 वैल्यू को दोनों जगह पुट करेंगे क्योंकि मैंने 1 पॉइंट निकाल लिया था 560 और इक्विटी पॉइंट भी निकाल लिया 280, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी करेंगे और डेब्ट अपॉन इक्विटी करेंगे तो डेब्ट कितना निकाला था बेटा 560 और इक्विटी निकाला है हमने 280। 28 2 56 तो रे वैल्यू आ गई 2:1। राइट, इस तरह से बेटा हमने ध्यान दिया तो हमें कुछ ही फॉर्मूलेज हैं जिन पर राउंड घूम घूम के हमारा डेट टू इक्विटी बराबर निकल रहा था। दो तीन बातें बस ध्यान रखनी है। पहली, डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी से होता है और टोटल डेट का मतलब होता है करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट। अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो इक्विटी आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी का भी अगर ट्रांजेक्शन करें तो हमारा इक्विटी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करें तो हमारा डेब्ट निकल जाएगा। जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है उन्हें ही राउंड ऑफ करते करते अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा आएगा। और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं और भी किताबों में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करिए। नहीं समझ में आए कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी। मेरी वीडियो समझ में आई हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।